सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जियो का सिम यूज़ करते हो और आपको भी बहुत ही इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है और आप जियो के इंटरनेट से परेशान हो कि ये वीडियो देखने आए हो, तो बिल्कुल सही किया दोस्तों। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको जियो का नया इंटरनेट का APN सेटिंग बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपका स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और हाँ, वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जियो का इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको वायरलेस एंड नेटवर्क ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद मोबाइल नेटवर्क में जाना है। उसके बाद नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके शो होगा आपके जियो के सिम का, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने एक APN शो होता है, जो कि कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेट रहता है दोस्तों। सो बेसिकली आज मैं आपको इस APN को मॉडिफाइड करके बताने वाला हूँ, जिससे आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिसीट टू डिफ़ॉल्ट कर लेना है पहले। जैसे आप रिसीट टू डिफ़ॉल्ट करते हो तो फिर ये APN रिसीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये APN एडिट करना है, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा APN का, तो आपको इसको एडिट कर लेना है। और जैसा मैं करता हूँ दोस्तों, वैसे आपको ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर। अगर मिस्टेक करते हो तो आपका स्पीड पहले से ख़राब हो सकता है, और स्पीड ख़राब होता है तो आप कमेंट में फिर बताओगे कि APN वर्क नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर नेम में आपको डालना है Jio 30X। तो यहाँ पर जियो का J कैपिटल रहेगा और 30X के बाद X कैपिटल रहेगा, तो इसको कर लेना है ओके। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस नहीं देना है। देन उसके बाद आता है दोस्तों APN, तो APN को यहाँ पर जियो नेट रहेगा, तो जियो नेट रहने देना है, उसको एडिट नहीं करना है। उसके बाद कर लेना है ओके। देन आता है दोस्तों प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में भी आपको जैसे ऊपर डाला है Jio 30X वैसे ही डाल लेना है यहाँ पर। उसके बाद कर लेना है ओके। देन आता है दोस्तों पासवर्ड, तो पासवर्ड को नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आता है सर्वर, तो सर्वर में आपको www.google.com डाल लेना है। उसके बाद कर लेना है ओके। देन उसके बाद MMSC को नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट रहने दीजिए। MMS पोर्ट को भी नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर नीचे MCC MNC जो है वो आपके एरिया के कोड रहते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। देन उसके बाद आता है दोस्तों एथेंटिकेशन टाइप, तो एथेंटिकेशन टाइप बताने से पहले, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पर एथेंटिकेशन टाइप में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, नन, PAP, पैप, CHAP, चैप एंड पैप और चैप। तो आपको सबसे नीचे वाला पैप और चैप सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, तो इसको IPv4/IPv6 कर लेना है। देन APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इसको भी IPv4/IPv6 कर लेना है। देन उसके बाद आता है दोस्तों बैरियर, तो बैरियर में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलता है आपको, तो सिंपल से आपको वो टिक हटा देना है। देन उसके बाद जो नीचे के ये ऑप्शन से उन सब पर आपको टिक कर लेना है, जितने भी है आपके मोबाइल में सब पर टिक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में सब सिलेक्ट नहीं हो रहे तो आपको सिर्फ LTE पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद कर लेना है ओके। देन सबसे नीचे आता है MVNO टाइप, तो इसको भी आपको नन रहने देना है। देन उसके बाद इस APN को आपको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करते हो तो आपका APN का नेम चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आपको सीधा आपके मोबाइल का एयरोप्लेन मोड ऑन करना है सबसे पहले। सो दोस्तों, एक मिनट के बाद आपको एयरोप्लेन मोड ऑफ करके आपके मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डाटा ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको स्पीड टेस्ट भी करके दिखाता हूँ कि कितना स्पीड मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया इंटरनेट का स्पीड मिल रहा है हमें।
तो आप भी ये सेटिंग करके आपका इंटरनेट का स्पीड बढ़ा सकते हो। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद दोस्तों।